प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी शेक इंडिया की ऑप्टिक्स। और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, सबसे पहला जो लेक्चर हमारा रहा था इस यूनिट का, उसमें हमने डिफ्रेक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट स्टडी किया था। सेकंड लेक्चर में हमने डिफ्रेक्शन ड्यू टू टू स्लिट्स, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफ्रेक्शन ड्यू टू एन स्लिट्स, या यूँ कहिए प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल रहने वाला है आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। बहुत से क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछे जाएंगे, इसलिए पूरे लेक्चर को बड़े ध्यान से सुने और देखें और अपने नोट्स साथ साथ बनाएं। हमारा आज का लेक्चर है प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, या फिर यूं कहिए कि डिफ्रेक्शन ड्यू टू एन स्लिट्स आज हम स्टडी करेंगे। कोई आप क्वेश्चन अगर पूछा जाता है व्हाट इज प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, तो आप यही लिखेंगे कि प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग इज एन ऑप्टिकल डिवाइस विच इज इक्विवेलेंट इन एक्शन विद ए नंबर ऑफ लार्ज स्लिट्स विच आर क्लोज टू ईच अदर, और यू कैन से पैरेलल टू ईच अदर। जैसे टू स्लिट्स, थ्री स्लिट्स, इसमें बहुत ज़्यादा स्लिट्स होती हैं। ए प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग में अगर मैं आपको साइज के हिसाब से, तो इट वेरी करता है कि एक इंच में 15,000 टू 30,000 तक की स्लिट्स होती हैं। आज हम यही स्टडी करेंगे, इसकी थ्योरी, इसकी कंस्ट्रक्शंस और इनकी अप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि ये प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग क्या होती है। आप इसे यही लिखेंगे, इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस विच इज इक्विवेलेंट टू इन एक्शन टू ए लार्ज नंबर ऑफ स्लिट्स। ए प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग ए साइज के हिसाब से ग्रेटिंग में कंटेन 15,000 टू 30,000, आप अंदाजा लगा सकते हैं, पर इंच देखेंगे कि ये जो प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग है इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है, बनाया कैसे जाता है इसको, यानी कि कंस्ट्रक्शन। देखिए, अगर मैं ब्रीफली आपको बताऊं तो एक सिंपल ग्लास स्लैब या ग्लास प्लेट ली जाती है, फिर जो डायमंड पॉइंट है उससे इक्वल डिस्टेंस पर उस प्लेन ग्लास के ऊपर लाइंस जो है ग्रो की जाती हैं, बनाई जाती हैं डायमंड पॉइंट की सहायता से। तो जो ग्रूव पार्ट होता है जहां वो लाइन खींची गई है, वो तो ओपेक रीजन की तरह एक्ट करता है और कोई लाइट जनरली जो है वो ट्रांसमिट नहीं करता, यानी ओपेक पार्ट की तरह, ओपेक रीजन की तरह काम करेगा। जबकि दो स्लिट्स या दो लाइन्स के बीच का जो रीजन है, जो अनग्रूव्ड पार्ट है, उसमें से लाइट ट्रांसमिट होगी और वो स्लिट की तरह बिहेव करेगी। आप यही लिखेंगे कि एन ओरिजिनल, मैं उसी की बात कर लेता हूं, एन ओरिजिनल प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग इज फॉर्म्ड, या प्रिपेयर्ड कह सकते हैं, by growing
पैरेलल लाइंस ऑन ए ग्लास स्लैब बाय डायमंड पॉइंट. यानी कि एक ग्लास स्लैब ली हमने ऐसे, और उस ग्लास स्लैब के ऊपर इस तरह से डायमंड पॉइंट से लाइन ग्रो करी, ग्रू की, मतलब उसको हमने इस तरह से लाइनें बना दिया बहुत ज़्यादा. दीज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड पैरेलल टू ईच अदर. ये जो ग्रू पार्ट है जहाँ पर हमने लाइन ग्रो की है, दे ओपेक द लाइट एंड द रीजन बिटवीन द टू लाइन्स दे ट्रांसमिट द लाइट एंड दे बिहेव लाइक ए स्लिट. यानी मैं यही बात कह रहा हूँ, द ग्रूड पार्ट लाइन्स एक्ट एज ए ओपेक रीजन एंड स्टॉप्स द लाइट टू पास. बट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स ट्रांसमिट द लाइट और यू कैन से अलाउ द लाइट एंड एक्ट एज स्लिट. ये स्लिट की तरह काम करेंगे. दो ग्रूड पार्ट या ग्रूड लाइन के का बीच का जो रीजन है वो स्लिट्स की तरह काम करता है. थ्योरी ऑफ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, हम इसकी थ्योरी स्टडी कर लेते हैं पहले. इसके लिए प्यारे बच्चों ये एन स्लिट्स हमें बनानी होंगी काफ़ी क्लोज एक दूसरे को. तो आप इस तरह से मेरे साथ साथ डायग्राम बनाते रहिएगा, मैं आपको बताता हूँ. ये देखिए हम शुरुआत कर रहे हैं, ये एक स्लिट हो गई हमारी, आप भी बना लीजिए. ये दूसरी स्लिट हो गई है, ये थर्ड स्लिट हो गई है, और प्यारे बच्चों इस तरह से और भी स्लिट्स हैं, और ये एनएच स्लिट हो गई है. इस तरीके से आप इनको बना लीजिएगा. अब यहाँ से देखिए मैं जो आपको बात बता रहा हूँ, ये हमारी ए बी स्लिट है, ए बी स्लिट, और ये सी डी स्लिट हो गई है, ये ई एफ स्लिट हो गई है, और इस तरह से ये एनथ स्लिट जो है ये है एनथ स्लिट. अब देखिए ये और एक बात मान है, इस एक स्लिट की जो सभी स्लिट्स हैं उनकी विड्थ इक्वल है, यानी कि दिस इज दी ए एंड इट इज दी विड्थ ऑफ ईच स्लिट्स, सभी स्लिट्स की विड्थ है. ये एन स्लिट्स हैं जो इक्विडिस्टेंट पैरेलल है एक दूसरे से, और सबकी स्लिट सेम है, और दो स्लिट्स के बीच का ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये ओपेक रीजन जो है इसको हम बी ले रहे हैं. और उसके बाद देखिए हम एक बात करेंगे कि ओ एक ओरिजिन ले लेंगे यहाँ पर, एंड दिस पॉइंट इज टेकन ओरिजिन टू स्टडी और टू कैलकुलेट द डिफरेंट स्टडी जो हम लोग करेंगे उसके लिए. और दिस इज दी हम डायग्राम बड़ा बना रहे हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि एन स्लिट्स कैसे काम करती है. दिस इज दी कॉन्वेक्स लेंस. और प्यारे बच्चों देखिए इस कॉन्वेक्स लेंस L, दिस इज स्क्रीन, दिस इज द लेंस एंड दीज आर द स्लिट्स. आप यहां एक बात कह सकते हैं, लिख भी देते हैं हम यहां पर कि लेट A इज द विड्थ ऑफ ईच स्लिट. और उससे पहले आप लिख देंगे कंसिडर देर आर ए बी सी डी ई एफ आर दी एन स्लिट्स एट द फोकस पॉइंट ऑफ विच द कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड. ये देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस है एंड एट द फोकस पॉइंट ऑफ विच दिस स्क्रीन इज प्लेस्ड.
अब यहां से देखिए ये वर्क कैसे करती है, पहले हम उसकी वर्किंग की बात कर लेते हैं, फिर हम इसकी थ्योरी की बात करेंगे। उससे पहले मैंने आपको बता दिया है कि ए क्या है, विड्थ ऑफ ईच स्लिट, और बी क्या है, बी इज द विड्थ ऑफ ओपेक रीजन, ओपेक रीजन, और यू कैन से द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, दो स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस है। अलाउ ए प्लेन वेव फ्रंट टू इंसिडेंट ऑन दीज एन स्लिट्स, और यू कैन से दिस प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। अकॉर्डिंग टू द हाइगेंस प्रिंसिपल, ईच पॉइंट ऑन दिस वेव फ्रंट बिकम्स द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस एंड सेंड्स आउट द सेकेंडरी स्फेरिकल वेवलेट्स, द सेकेंडरी वेवलेट्स विच डज नॉट डिफ्रैक्ट। देखिए जो डिफ्रैक्ट नहीं होते, ये देखिए कोई भी वेवलेट्स हैं वो डिफ्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, ये मैं सीधा आप देख रहे हैं लिख रहे हैं, जो डिफ्रेक्ट नहीं हो रहे हैं दे मीट एट पॉइंट, और आप देख सकते हैं इनको, दे मीट एट पॉइंट पी, ये पी पॉइंट पर मिल रहे हैं प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जो स्क्रीन है ये इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पॉइंट पर, इसका मतलब जो डिफ्रेक्ट नहीं हो रहे, जो बेंड नहीं हो रहे हैं सेकेंडरी वेवलेट्स, वो सारे के सारे पी पॉइंट पर जाकर मिल जाएंगे लाइक दिस। आप एक अच्छा डायग्राम मेरे साथ साथ बनाते रहें, ये सारे जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं जो डिफ्रेक्ट नहीं हो रहे हैं वो पी पॉइंट पर मिल रहे हैं, ये देखिए। पी पॉइंट के ऊपर और भी हैं सारे, जो ये हमने बीच में गैप किया है, ये सारे जो डिफ्रेक्ट हो रहे हैं पी पॉइंट पर डिफ्रेक्ट हो रहे हैं। अब बात करते हैं, ये तो उन सेकेंडरी वेवलेट्स की होगी जो डिफ्रेक्ट नहीं हो रहे वो पी पॉइंट पर मिक्स हो, लेकिन जो सेकेंडरी वेवलेट्स डिफ्रेक्ट हो रहे हैं एंगल थीटा पर, यानी कि सेकेंडरी वेवलेट्स विच डिफ्रेक्ट एट एंगल थीटा, ये देखिए इन स्लिट्स पर वो जो डिफ्रेक्ट हो रहे हैं थीटा एंगल पर, ये देखिए ये सारे थीटा एंगल पर डिफ्रेक्ट हो रहे हैं, और जो डिफ्रेक्ट हो रहे हैं वो पी डैस पॉइंट पर जाकर के मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे, आप डायग्राम बना करके, और ये देखिए द सेकेंडरी वेवलेट्स विच डिफ्रेक्ट एट एन एंगल थीटा मीट एट पॉइंट पी डैस, ये पी डैश पॉइंट पर मिल रहे हैं, और आप इस तरीके से डायग्राम बना सकते हैं। ये वो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं जो थीटा एंगल पर डिफ्रैक्ट हो चुकी हैं, ये देखिए। अब हम यही स्टडी करेंगे कि ये जो पी डैश पॉइंट है ये मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, या इसकी क्या कंडीशन होगी, किस तरह से बात करेंगे, वो सारी चीज़ें अब हम यहाँ स्टडी करें, यानी कि अब हम थ्योरी ऑफ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग पढ़ रहे हैं। लेकिन अभी तक जो हमने पढ़ा है वो फिर देख लीजिए, हमने क्या कहा कि दिस अकॉर्डिंग टू द हाइगेंस प्रिंसिपल, सबसे पहले हमने क्या लिखा, अलाउ द प्लेन वेव फ्रंट टू इंसिडेंट ऑन द प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग और एन स्लिट्स, द सेकेंडरी वेवलेट्स विच डज नॉट डिफ्रैक्ट दे मीट एट पॉइंट पी, एंड द सेकेंडरी वेवलेट्स विच डिफ्रैक्ट एट एन एंगल थीटा दे इंसिडेंट एट पॉइंट पी डैश आफ्टर पासिंग थ्रू दिस कॉन्वेक्स लेंस। चलिए अब हम थ्योरी स्टडी कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट यहाँ देखेंगे, उसे हमें एम्पलीट्यूड का पता चल जाए उस इक्वेशन से, और यहाँ जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो दो वजह से होगा, एक तो डिफ्रेक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, जो हमने लेक्चर वन में जिसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था, जिसको हम यहाँ डायरेक्ट यूज करेंगे, और दूसरा ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ एन स्लिट्स, इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा। आप लिखेंगे कि द डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट पी डैस इज ड्यू टू, दो वजह से हो रहा है जो मैं लिख देता हूं, एक होगा जिनको हम अलग अलग स्टडी करेंगे, डिफ्रेक्शन ड्यू टू
सिंगल स्लिट, एक तो ये बात होगी इस स्लिट की वजह से जो डिफ्रेक्शन हो रहा है उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, और दूसरी बात हम यहां स्टडी करेंगे इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस ड्यू टू एन स्लिट्स, इनकी हम बात करेंगे, दोनों की स्टडी करेंगे। और उससे पहले मैंने आपको बता दिया था ए क्या है, ए इज द विड्थ ऑफ ईच स्लिट, और बी क्या है, बी इज द ओपेक रीजन, और यू कैन से द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, ये दो स्लिट्स के बीच का जो रीजन है ये वो डिस्टेंस है। इन दोनों का जो सम है यानी कि ए प्लस बी, इसे हम डी से लिखेंगे और इसे कहेंगे इज द ग्रेटिंग एलिमेंट। ये देखिए, एक तो ये पॉइंट हमारे पास हो गया। अब देखिए हम आगे एक पॉइंट लेके चलेंगे कि ये जो ओ इज टेकन एज ओरिजन, ओ को क्या ले रहे हैं हम, मेरे साथ साथ लिखते जरूर जाएं, ओ इज द ओरिजन, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी रहने वाला आर्टिकल है, काफ़ी डिटेल स्टडी, कुछ मैथमेटिक्स हम यहाँ यूज करेंगे, कुछ हम रेफरेंस लेके चलेंगे पिछले वीडियोस का जो लेक्चर वन और लेक्चर टू है, जिन स्टूडेंट्स ने वो दोनों लेक्चर सभी नहीं पढ़े हैं सीख देखे हैं वो पहले उनसे अपना आर्टिकल तैयार करें और फिर इस वीडियो पर आएँ। चलिए देखते हैं, ओ इज द ओरिजन एंड दिस इज टेकन एज ए रेफरेंस पॉइंट टू स्टडी द फर्दर स्टडी, और इसी से देखिए एक छोटा सा एलिमेंट हम कंसीडर कर रहे हैं डी एस, जो कि इस ओरिजिन से एस डिस्टेंस पर है। डी एस इज द स्मॉल एलिमेंट टेकन एज ओरिजिन, स्मॉल एलिमेंट एट डिस्टेंस, एट डिस्टेंस एस फ्रॉम ओ, ये हो गया। अच्छा, द डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट पी डेस ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट कितना होगा वो लिखते हैं, द डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट पी डेस ड्यू टू डी एस एलिमेंट कितना होगा। प्यारे बच्चों देख लीजिए, इसको हम डी वाई से लिख लेते हैं एंड इट विल बी इक्वल टू आर डी एस, ये पहले हम लिखते रहे हैं साइन टू पाई इंटू टी बाई टी माइनस एक्स बाई लेमडा माइनस एस साइन थीटा बाई लेमडा। जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनके बारे में आप पहले से जानते ही हैं, जैसे कि आर क्या है, आर इज द एम्पलीट्यूड पर यूनिट विड्थ ऑफ द स्लिट, तो आर विड्थ है तो इतना हो जाएगा, और एक्स क्या है, एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन, क्या है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, और बाकी चीजें आप जानते हैं यहां पर, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट और बाकी चीजें। लेकिन प्यारे बच्चों ये जो देख रहे हैं दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट एट पॉइंट पी डैश, लेकिन हमें तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, यहां पर एक इक्वेशन चाहिए कि इन एन स्लिट्स की वजह से कितना है टोटल डिस्प्लेसमेंट, और उसकी इक्वेशन क्या है, और उसमें जो साइन का कोफिशियंट आएगा जैसे यहां है वो एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू एन स्लिट्स निकालने के लिए हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लेकिन इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या होंगी पहले वो देख लेते हैं। यहां पर मैं यहां आपको बता देता हूं, ये देखिए मैं इसी चीज को यहां दोबारा से बनाता हूं और फिर आप स्टडी देख लीजिएगा। जैसे ये हमारी ए बी स्लिट है, मैं एक दो स्लिट्स के बारे में बता देता हूँ, ए बी स्लिट है ये ए बी, और ये इसका ओपेक रीजन है, ये सी डी स्लिट है, और इसी तरीके से ये फिर ओपेक रीजन आ जाएगा यहाँ पे, और फिर ये ई एफ स्लिट हो गई,
और प्यारे बच्चों इस तरह से और भी स्लिट्स आ जाएंगी, हम उनकी बात करेंगे। ये हमारा ओरिजिन है ओ, और अभी तक हमने जो बात की थी, ये ए तो क्या है, विड्थ है, ये प्रत्येक की ही ए विड्थ है, और बी क्या है, बी इनका रीजन है, ओपेक रीजन है दो दो स्लिट्स के बीच का, उसकी बात करेंगे। लेकिन देखिए हमने यहाँ आपको बताया है कि इस स्लिट से और इस स्लिट के सेंटर के ये डिस्टेंस कितनी होगी, आप देख करके मुझे बता सकते हैं। ये देखिए ये डिस्टेंस डी है, डी मीन्स किसके बराबर है, ए प्लस बी। देखिए ए ये है, बी ये है, ये ये देखिए ए प्लस बी, इससे इसके बीच की दूरी। अगर हम इस स्लिट को कंसीडर करेंगे तो प्यारे बच्चों पता है हम कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे। देखिए यहाँ के लिए ये वैल्यू अगर आप इसी की खाली इस स्लिट की बात करें तो ये ए बाई टू हो जाएगी, क्योंकि स्लिट की जो विड्थ है वो तो ए है, और ये भी ए बाई टू हो जाएगी। यानी कि हम डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट पी डैश इस स्लिट की वजह से चाहते हैं, तो हम इसे इस को इंटीग्रेट करना पड़ेगा माइनस ए बाई टू टू प्लस ए बाई टू, समझिए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हम इस स्लिट को भी कंसिडर करना चाहेंगे, हम उनको इंटीग्रेट करते चले जाएंगे और फिर ऐड करते चले जाएंगे, पहले ये स्लिट की वजह से डिस्प्लेसमेंट, फिर इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट। चलिए जब हम इस की वजह से डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो ये डिस्टेंस तो कितनी है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, डी है, तो बता सकते हैं ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं कि ये हो जाएगी डी माइनस ए बाई टू, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस डी है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये यहाँ तक ये डी ए बाई टू इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया, और नीचे ये जो डिस्टेंस देख रहे हो ये वाली डिस्टेंस कितनी देख रही है, देखिए यहाँ से इसमें क्या है, यहाँ तक तो ए डी है ही, तो ये हो जाएगी डी प्लस ए बाई टू, ये हो गया। देखिए अगर हम सेकेंड स्लिट की बात करते हैं और उसके लिए रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट यहाँ निकालेंगे, तो हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे डी माइनस ए बाई टू से डी प्लस ए बाई टू तक, ये एस की वैल्यू वेरी करेगी। और ये इसी तरीके से आप ये देखिए, आप बता सकते हैं ये डिस्टेंस कितनी है, यहाँ तक देखिए डी थी, और ये डिस्टेंस यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है, ये देखिए ये डी तो ये हो गई यहाँ तक, और डी ये हो गई, तो ये कुल डिस्टेंस 2d हो गई है। और इस तरीके से अगर हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो ओरिजिन से ये चीज़ आप देखेंगे बेटे, ये देखिए इसको हम कहेंगे 2d माइनस a बाई टू, और नीचे ये डिस्टेंस आप देख रहे हैं जिसके इस एंड की जब हम बात करेंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 2d प्लस a बाई टू। यानी कि इस स्लिट के लिए हम इसे इंटीग्रेट करेंगे 2d माइनस a बाई टू टू 2d प्लस a बाई टू तक। और इस तरीके से ये नीचे n स्लिट्स है, ये जो वाली स्लिट है इसके लिए फिर देखिए, फर्स्ट के लिए माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू, सेकेंड के लिए डी माइनस, थर्ड के लिए 2d, और फिर nth स्लिट के लिए हम इसे इंटीग्रेट करेंगे n माइनस वन, क्योंकि ये देखो थर्ड के लिए 2 आ रहा है, फोर्थ के लिए थर्ड आएगा, तो nth के लिए n माइनस वन, एक कम आ जाएगा, n माइनस डी माइनस ए बाई टू टू n माइनस वन डी प्लस ए बाई टू के लिए हम इसे इंटीग्रेट करेंगे इस इक्वेशन को। तो चलिए इंटीग्रेट कर देते हैं, मैंने आपको बता दिया है कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट पी डैश कैन बी डिटरमाइंड बाय इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन इन लिमिट्स ऑफ एस माइनस ए बाई टू टू प्लस ए बाई टू माइनस, ये देखिए डी माइनस ए बाई टू टू डी प्लस ए बाई टू, और टू डी माइनस ए बाई टू 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 डी प्लस ए बाई टू, और फिर एन माइनस डी माइनस ए बाई टू टू n माइनस वन डी ए बाई टू फोर एन एच स्लिट्स, और फिर इनको इंटीग्रेट करके हम ऐड कर देंगे ताकि हमें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट पी डैश मिल जाए। कैसे देखते हैं, y इज इक्वल टू आर बाई एक्स, इसे हम कॉमन रख रहे हैं, और ये देखिए क्योंकि ये तो सब में आएगा, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं पहले इस स्लिट के लिए, पहले वाली स्लिट के लिए इंटीग्रेट करें माइनस ए बाई टू टू प्लस ए बाई टू, और ये हो जाएगा साइन 2 पाई इंटू टी बाई टी माइनस एक्स बाई लेमडा माइनस एस साइन थीटा बाई लेमडा, और लिमिट्स यही है इंटू डी एस, ये देखिए
प्लस अब हम सेकंड बात करेंगे कि डी माइनस ए बाई टू टू डी प्लस ए बाई टू, और ये देखिए साइन 2 पाई इंटू टी बाई टी माइनस एक्स बाई लेमडा माइनस एस साइन थीटा बाई लेमडा इंटू डी एस। लेकिन लिमिट्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एस का वेरिएबल है। और फिर देखिए 2d ऐसे ही 2d माइनस ए बाई टू और 2d प्लस ए बाई टू ऐसे करेंगे, और यहाँ लिखेंगे साइन 2 पाई इंटू टी बाई टी माइनस एक्स बाई लेमडा, और आप देखेंगे माइनस एस साइन थीटा बाई लेमडा इंटू डी एस। प्लस ऐसे ही प्यारे बच्चों एन माइनस वन, nth स्लिट की जब हम बात करेंगे तो हमने आपको बताया था एन माइनस वन डी माइनस ए बाई टू टू एन माइनस वन डी इंटू प्लस ए बाई टू तक, और इंटीग्रेशन वही है 2 पाई इंटू टी बाई टी माइनस एक्स बाई लेमडा माइनस एस साइन थीटा बाई लेमडा इंटू डी एस ब्रेकेट वन। तो इस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर हम इन सबको इंटीग्रेट करने लगे तो पूरा आपका एग्जाम्स का ज़्यादातर जो टाइम है वो निकल जाएगा। और हमने पिछले लेक्चर्स में जब सिंगल स्लिट की बात की थी तो इसको अच्छी तरीके से इंटीग्रेट करके दिखा रखा है। जब टू स्लिट्स की बात की थी उस समय हमने सेकंड लेक्चर में भी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो हम यहाँ पर इनको इंटीग्रेट नहीं करेंगे बल्कि हम एक जनरल बात लिख देंगे। हम लिखेंगे कि ऑन सॉल्विंग दीज इक्वेशंस वी गेट दी इक्वेशन, यानी कि वी गेट दी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, और उसमें साइन का जो कोफिशियंट आएगा दैट विल बी टेकन एज एम्पलीट्यूड। तो हम यही लिखेंगे ऑन सॉल्विंग दीज इक्वेशन द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट पॉइंट पी डैश ड्यू टू दीज ऑल एन स्लिट्स इज गिवन बाय इज इक्वल टू ए नोट साइन अल्फा बाई अल्फा इंटू साइन एन बीटा डिवाइड बाई साइन बीटा। ये हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाएगा आफ्टर सॉल्विंग दैट इक्वेशन, और यू कैन से आफ्टर इंटीग्रेटिंग फॉर एन स्लिट्स। और अब हम बात कर रहे हैं, जब हमें एम्पलीट्यूड का पता चलेगा तो हम जानते हैं कि जो इंटेंसिटी होती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ एम्पलीट्यूड। वी नो दैट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो फिर अब हमारे पास इंटेंसिटी कितनी होगी वो देख लीजिए, यानी कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू दिस एम्पलीट्यूड, यानी ए नोट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा डिवाइड बाई अल्फा स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर एन बीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वेयर बीटा। प्यारे बच्चों यहाँ दो टर्म्स आ रही हैं, एक तो ये टर्म आ रही है, ये है इट इज ड्यू टू द डिफ्रैक्शन एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस सिंगल स्लिट, ये डिफ्रैक्शन की वजह से है। एंड ये जो टर्म आप देख रहे हैं इट इज ड्यू टू द इंटरफेरेंस एट पी डैश ड्यू टू दीज एन स्लिट्स। तो हम इन सब की वजह से पहले अलग अलग कंडीशंस निकालेंगे, पहले इस टर्म की वजह से निकालेंगे और फिर हम इस टर्म को देखेंगे, ये डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट है एंड इट इज ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ द एन स्लिट्स, यहाँ इंटेंसिटी बनती है। वन बाय वन हम इनकी कंडीशंस जो है मैक्सिमाज मिनिमाज सेकेंडरी मैक्सिमाज वगैरह की कंडीशंस निकालते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो प्यारे बच्चों देखिए ये है रिजल्टेंट इंटेंसिटी। प्यारे बच्चों आप समझ सकते हैं, हमने पीछे बताया था आपको कि ये जो अल्फा है ये किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू पाई ए साइन थीटा बाई अल्फा लेमडा, और ये जो बीटा आप देख रहे हैं इट इज इक्वल टू पाई डी साइन थीटा बाई लेमडा, और ये जो डी है ना ये ए प्लस बी जिसे हमने ग्रेटिंग एलिमेंट का नाम दिया था, ये रिजल्टेंट। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि इसमें दो टर्म्स आ रही हैं, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि ये जो ए नोट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा बाई अल्फा स्क्वेयर है
इट इज दिस टर्म और दिस एम्पलीट्यूड और दिस पार्ट इन द इंटेंसिटी इज ड्यू टू, ये किसकी वजह से, ड्यू टू डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट। और ये देखिए, ये जो सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं, साइन स्क्वेयर एन बीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वेयर बीटा, ये किसकी वजह से है, इट इज ड्यू टू इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस ऑफ एन स्लिट, एन स्लिट। तो वन बाय वन प्यारे बच्चों इन दोनों ही टर्म्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले लेते हैं डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, ए नॉट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा बाय अल्फा स्क्वेयर है। पहली ही कंडीशन देखिए, फॉर प्राइमरी मैक्सिमा क्या कंडीशन है इसमें हम देखते हैं, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल, फॉर प्राइमरी मैक्सिमा, प्राइमरी मैक्सिमा के लिए देखिए क्या कंडीशन है, यहां है कि अल्फा इज इक्वल टू जीरो और साइन अल्फा बाई अल्फा, और लिमिट यहां हम ले रहे हैं, लिमिट अल्फा टेंड्स टू जीरो एंड इट इज इक्वल टू वन, और ये किसकी वजह से, और देखिए यहाँ जो इंटेंसिटी आएगी दैट इज इक्वल टू ए नॉट स्क्वेयर, यानी ये मैक्सिमा की इंटेंसिटी आएगी है, इसे हम कहते हैं प्राइमरी मैक्सिमा या फिर प्रिंसिपल मैक्सिमा। अब हम कंडीशन देखते हैं दूसरी, दूसरी में है हम मिनिमाज की बात करते हैं, इसमें क्या है कि ये साइन अल्फा तो ये तो जीरो है बट अल्फा इज नॉट जीरो, ये कंडीशन बनती है। यहाँ पर जो हम अल्फा की वैल्यू लेंगे वो क्या होगी, देखिए पाई साइन 180 भी तो जीरो होता है, पाई 2 पाई 3 पाई और एंड सो ऑन, यानी कि आप कह सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू एम पाई, ये जो एम की वैल्यू जो है उसकी बात आप समझ ही सकते हैं यहाँ पर कि एम इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमा, लेकिन एक बात हमने और बताई थी कि दो मिनिमाज के बीच में एक मैक्सिमा भी होता है, ये तो प्राइमरी मैक्सिमा हो गया, लेकिन इन दो मिनिमाज के बीच में जो मैक्सिमा होता है उसे हम सेकेंडरी मैक्सिमा कहते हैं। तो फिर सेकेंडरी मैक्सिमा की क्या कंडीशन है वो देख लेते हैं, फॉर सेकेंडरी मैक्सिमाज, इसमें देखिए बेटे सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए कंडीशन है कि साइन अल्फा बाई अल्फा इट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, और जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो देखिए हमारे पास जो कंडीशन आती है वो आती है कि अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा, जो हमने पिछले वीडियो में अच्छी तरीके से इसको डिराइव कर रखा है, मैं यहाँ उनको समय बचाने के लिए रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आपको अगर इस चीज़ को देखना है तो पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हैं। अब इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करती है जो वो पी डैश पे सेकेंडरी मैक्सिमा का रोल होगा, लेकिन इससे हमने वहाँ एक बात बताई थी कि दिस कंडीशन शोज दैट द सेकेंडरी मैक्सिमा डज नॉट लाइज एग्जैक्टली इन बिटवीन द टू मिनिमाज, एक तो दो मिनिमा के एग्जैक्टली बीच में लाई नहीं करते हैं, दूसरा ये है कि सेकेंडरी मैक्सिमा की जो दे स्लाइटली शिफ्ट टुवार्ड्स द प्राइमरी मैक्सिमा और प्रिंसिपल मैक्सिमा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि द इंटेंसिटी ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा आल्सो रैपिडली डिक्रीजिंग एज वन मूव अवे फ्रॉम द प्राइमरी मैक्सिमा, इट मींस दैट हम लिमिटेड नंबर ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा ही ऑब्टेन करते हैं, जिसे हम डिफ्रैक्शन पैटर्न में पिछले वीडियो में देखा था और इसमें जब हम डिफ्रैक्शन स्पेक्ट्रम जो ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम ड्रा करेंगे उसमें भी देखेंगे। तो प्यारे बच्चों ये तो हुई हमारी डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। अब हम बात करेंगे कि इंटरफेरेंस ड्यू टू एन स्लिट्स कैसे कंडीशंस होती हैं मैक्सिमाज मिनिमा की, उनको देख लेते हैं। चलिए देखते हैं इंटरफेरेंस इफेक्ट ऑफ एन स्लिट्स। अभी तक जो हमने कंडीशंस निकाली थी मैक्सिमाज और मिनिमाज की वो डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट
किया था। लेकिन अब हम देखते हैं कि इंटरफेरेंस, क्योंकि इन जो बाकी की स्लिट्स आप देख रहे हैं बच गई हैं, उनकी वजह से यह इंटरफेरेंस भी तो हो रहा है, तो उनकी वजह से मैक्सिमास की क्या कंडीशन है, मिनिमास की क्या कंडीशन है, या फिर सेकेंडरी मैक्सिमास जो बनेंगे जो इन मिनिमास के बीच में आएंगे उनकी क्या कंडीशंस हैं, उनको हम मैथमेटिकली ड्राइव करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये जो टर्म आप देख रहे हैं साइन स्क्वेयर एन बीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वेयर बीटा, ये जो टर्म है ये ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ एन स्लिट्स की वजह से है। तो इसी टर्म को अब हम लेके चलेंगे। सबसे पहले कंडीशन हम इसमें देखते हैं फॉर प्राइमरी या प्रिंसिपल मैक्सिमा। प्राइमरी मैक्सिमाज के लिए क्या कंडीशन है, इसके लिए प्यारे बच्चों देखिए यहां पर क्या है कि जैसे मान लो ये कंडीशन है इसके लिए कि व्हेन साइन बीटा इज जीरो, जब साइन बीटा को जीरो करेंगे, या फिर ये कब होगा जब बीटा की वैल्यू एन पाई होगी, जबकि एन क्या है हम ये जानते हैं कि एन इजकल टू वन जीरो वन टू एंड सो ऑन। लेकिन जैसे ही ये कंडीशन रखते हैं तो हमारे पास ये वाली जो टर्म है इंटेंसिटी वाली, ये क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, ये जीरो बाई जीरो हो जाएगी, क्योंकि साइन बीटा जीरो होगा और इसके जने जीरो करेंगे तो ये तो जीरो बाई जीरो टर्म आ जाएगी, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। ये तो अनडिटर्मिनेट टर्म हो गई है, ये कैसी टर्म हो गई है, मिनट फॉर्म आ गई है इस। तो अब हम क्या करेंगे कि इस टर्म को, मैं विशेष तौर पर इस टर्म की बात कर रहा हूँ, इस टर्म को अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बाय न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाली टर्म लगा करके, और क्योंकि काफ़ी आप मैथमेटिक्स पढ़ रखा है इसको सोल्व कर लेना, और जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसको सोल्व करने के बाद मैं डायरेक्ट टर्म यहाँ लगा देता हूँ, और ये एक कंडीशन यहाँ आप लगा सकते हैं जैसे लिमिट बीटा टेंड्स टू एन पाई, ये वाले, क्योंकि बीटा की वैल्यू हम एन पाई ले रहे हैं, और ये जो टर्म आ जाएगी यहां पर आप देखेंगे कि कोस बीटा, कोस एन बीटा डिवाइडेड बाई कोस बीटा, इट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस एन। मतलब ये जो टर्म है इसको पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसके बाद जब सोल्व करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है, यानी दिस बिकम्स इक्वल टू दिस। लेकिन यहाँ पर ये लिमिट वाली कंडीशन लगाएंगे तो ये आ गई, यानी कि हम एक बात कह सकते हैं इसको, किस चीज़ को डिफ्रेंशिएट किया हमने, साइन एन बीटा डिवाइड बाई साइन बीटा, यही तो टर्म है इसके लिए। अब आप देखिए तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी इस केस में, इंटेंसिटी ऑफ प्राइमरी मैक्सिमा कितनी हो जाएगी, यहाँ पर इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ एन स्क्वेयर, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है। यानी कि अब हम देख रहे हैं कि जो प्राइमरी मैक्सिमा की जो कंडीशन है वो ये है कि बीटा शुड बी इक्वल टू एन पाई, और हम पहले आपको बता चुके हैं कि जो बीटा है वो इसके बराबर है। चलिए उसे देखते हैं। इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, और यहाँ ये जो टर्म देख रहे हो ए प्लस बी, इट इज कॉल्ड ग्रेटिंग एलिमेंट, जहाँ ए क्या है, ए इज द विड्थ ऑफ दिस ईच स्लिट एंड बी इज द विड्थ ऑफ द ओपेक रीजन बिटवीन द टू स्लिट्स। अब हम देखते हैं कि मिनिमास की क्या कंडीशंस हैं फॉर मिनिमाल। अब की बार तो हम क्या दे रहे थे यहाँ पर कि इस बार क्या है, ये तो जीरो हो, देखो ये जो इंटेंसिटी है यहाँ पर साइन एन बीटा इज इक्वल टू जीरो, ये टर्म तो जीरो हो, लेकिन साइन बीटा जो है ये जीरो ना, तब जो अब देखिए तब ये जो टर्म क्या हो जाएगी, ये टर्म तो जीरो हो जाएगी, यानी कि जो इंटेंसिटी होगी वो जीरो हो जाएगी, एंड वी ऑब्टेन द मिनिमा और डार्क फ्रिंज ऑन स्क्रीन, जहां ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी। और ये कब जीरो होगी, ये देखिए एन बीटा इज इक्वल टू, ये जीरो कब होती है, या तो ये जीरो हो, या फिर ये पाई हो, या फिर टू पाई हो, या थ्री पाई हो, इन सब पर ये वैल्यू
जीरो हो जाएगी, या फिर आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि एन बीटा इजकल टू पी पाई वेयर। ये देखिए, ये बात आप थोड़ा सा नोट करना, यहाँ पर ये जो p की वैल्यू है ये क्या है, p इज इक्वल टू जीरो वन टू थ्री, ये है, ये सब टर्म्स आ रही है यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव, लेकिन p इज नॉट इक्वल टू जीरो n। ये देखिए, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमने यहाँ कंडीशंस लगाई थी वो नहीं होनी चाहिए जहाँ पर साइन बीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, n टू n, ये ऊपर वाली जो टर्म है साइन n बीटा ये जीरो होनी चाहिए, बट साइन बीटा जीरो, ऐसा कब होगा जब इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी एंड वी ओबटेन द मिनिमा ऑन द स्क्रीन, ये कंडीशन आ गई। यहाँ पर ये देखिए n, बीटा हमने पहले ही बता दिया, ये वैल्यू रखेंगे हम पहले कैलकुलेट करते रहे हैं, n इक्वल टू, और ये देखिए पाई d साइन थीटा डिवाइड बाई लेमडा इज इक्वल टू, और ये हो गई है p पाई, यहाँ पर आप देख रहे हैं पाई से पाई हम लोग कैंसिल कर देते हैं, और ये देखिए n d, d क्या है, d पहले से हम लोग जानते हैं कि n d है a प्लस बी इंटू साइन थीटा इजकल टू पी, और ये लेमडा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जो कंडीशन आ रही है दिस इज दी कंडीशन फॉर मिनिमाज। और अब हम देख रहे हैं कि क्योंकि पी की ये वैल्यूज नहीं हो सकती, आप एक बात याद रख लीजिएगा कि बिटवीन टू प्राइमरी मैक्सिमा देर लाइज एन माइनस वन मिनिमा, जहाँ एन क्या है, नंबर ऑफ स्लिट्स हैं, यानी कि टू प्राइमरी मैक्सिमा, ये याद रखना, इसको हम आगे चल के यूज करेंगे, मैक्सिमाज देयर लाइज एन माइनस वन मिनिमाज। और प्यारे बच्चों, हम ये भी जानते हैं कि दो मिनिमाज के बीच में मैक्सिमा भी लाई करते हैं, और उन मैक्सिमाज को हम सेकेंडरी मैक्सिमा कहते हैं। तो चलिए देखते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा की क्या कंडीशन है। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा की, फॉर सेकेंडरी मैक्सिमाज। बेटे थोड़ा सा लेक्चर लेंदी जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपके यहाँ कवर हो जाएंगे। सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए जो कंडीशन है वो देखिए, डी बाई डी बीटा इंटू साइन स्क्वेयर एन बीटा डिवाइडेड बाई साइन बीटा, ये जो टर्म है डिफरेंशिएशन है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन, ये जीरो आना चाहिए, और जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि साइन बीटा और कोश एन बीटा एन माइनस साइन एन बीटा और कोस बीटा इज इक्वल टू जीरो। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये चीज़ आ गई है हमारे पास, और हम लिखेंगे कि साइन बीटा एन कोस एन बीटा एंड इट इज इक्वल टू, ये टर्म इधर ले लेते हैं, साइन एन बीटा और कोस बीटा, और जब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हम देख सकते हैं साइन, ये देखिए साइन बीटा के स्थान पर ये टर्म हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो यहाँ तो हो जाएगा टेंजेंट बीटा, और ये देखिए ये एन यहाँ पहले से ही है ही, और ये साइन एन बीटा के स्थान पर ये लिख देंगे तो ये हो जाएगा टेंजेंट एन बीटा। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए साइन एन बीटा के नीचे ये कोस एन बीटा राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये टर्म आ जाएगी। तो ये जो हमारी कंडीशन है, दिस कंडीशन इज फॉर द सेकेंडरी मैक्सिमा, यानी कि दोज पॉइंट्स विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन इज कॉल्ड सेकेंडरी मैक्सिमा। तो ये सेकेंडरी मैक्सिमा की हम बात कर ली। अब हम देखते हैं कि जो सेकेंडरी मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी होगी वो इसी टर्म की वजह से होती है, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं तो सेकेंडरी मैक्सिमा की हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। तो इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा उसकी, जबकि ये वन है, तो ये देखिए पाइथागोरस थ्योरम जब हम यहाँ लगाएंगे तो ये हो जाएगा वन प्लस एन स्क्वेयर टेंजेंट स्क्वेयर बीटा, और यहाँ से ये जो टर्म आई है इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, यदि मेरे साथ साथ आप लिखते जाइए, साइन स्क्वेयर एन बीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वेयर आएगी एन स्क्वेयर टेंजेंट
स्क्वेयर बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन स्क्वेयर टेंजेंट स्क्वेयर बीटा, ये तो हमने लिख दिया है साइन स्क्वेयर एन बीटा जो फार्मूला बनता है, और ये 1 अपॉन साइन स्क्वेयर बीटा। इसको थोड़ा हम सोल्व कर लेते हैं। चलिए कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए, एन स्क्वेयर तो है ही और टेंजेंट स्क्वेयर बीटा के स्थान पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वेयर बीटा डिवाइडेड बाई कोस स्क्वेयर बीटा, और ये देखिए 1 प्लस एन स्क्वेयर यहाँ पहले से है ही, और साइन स्क्वेयर बीटा डिवाइडेड बाई कोस स्क्वेयर बीटा ये हमने लिख दिया है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये है 1 अपॉन साइन स्क्वेयर बीटा। अब यहाँ पर इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं, मैं इसको थोड़ा यहाँ मिटा देता हूँ जाएगा, तो यहाँ सिर्फ क्या रह जाएगा एन स्क्वेयर साइन स्क्वेयर बीटा, साइन स्क्वेयर बीटा, और यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वेयर बीटा, क्योंकि जब हम एलसीएम लेंगे तभी तो ये कैंसिल होगा कोस स्क्वेयर एन बीटा, और यहाँ रह जाएगा प्लस एन स्क्वेयर साइन स्क्वेयर बीटा, और साथ में आप देख रहे हैं इंटू वन और साइन स्क्वेयर बीटा है, और इस साइन स्क्वेयर बीटा से फिर हमारा ये साइन स्क्वेयर बीटा कैंसिल हो जाएगा, हो गया है एन स्क्वेयर, और नीचे हो गया है एन स्क्वेयर साइन स्क्वेयर बीटा, और साथ में प्लस में ये है, इसके स्थान हम लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वेयर बीटा, क्योंकि साइन कोस स्क्वेयर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वेयर बीटा के बराबर है। तो इस तरीके से जब हम इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एन स्क्वेयर, और यहाँ पर ये टर्म जो है ये आ गई 1 प्लस ये साइन स्क्वेयर बीटा, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो एन स्क्वेयर माइनस 1 इंटू साइन स्क्वेयर बीटा, ये टर्म आ गई, ये हमारे पास इंटेंसिटी आ गई है। और हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इंटेंसिटी जो ड्यू टू इंटरफेरेंस इफेक्ट ऑफ एन स्लिट्स आ रही है, दिस इंटेंसिटी आई टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वेयर। पहले टर्म तो आप यह देख रहे हैं एन स्क्वेयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये जो टर्म है ये एन स्क्वेयर के बढ़ने से बढ़ रही है। लेकिन एक साथ और बात देखिए, जैसे जैसे नंबर ऑफ स्लिट्स बढ़ा रहे हैं यानी कि एन की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो ये वाला फैक्टर जो नीचे है ये बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से नेट इंटेंसिटी डिक्रीजेज। हम कह सकते हैं एज द नंबर ऑफ स्लिट्स इन प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग इंक्रीजेज दिस टर्म, और यू कैन से दिस टर्म, बिकॉज दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म, इसी को हम इसके बराबर लेके चले हैं, गोज ऑन डिक्रीजिंग, एंड सो वी कैन से कि फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ द एन द सेकेंडरी मैक्सिमाज आर नॉट इवन विजिबल। मतलब जब एन की नंबर ऑफ स्लिट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी तो फिर सेकेंडरी मैक्सिमाज दिखाई देना बंद हो जाते हैं, विजिबल नहीं होते हैं, यानी कि फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमास आर नॉट इवन विजिबल। प्यारे बच्चों, ये हमने कंडीशंस निकाल दी प्राइमरी मैक्सिमा सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमाज की ड्यू टू इंटरफेरेंस इफेक्ट ऑफ द एन स्लिट्स। अब हम देखेंगे कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, जिसमें हम डिफ्रेक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट के साथ साथ इंटरफेरेंस ड्यू टू एन स्लिट्स को भी कंसिडर करेंगे, और फिर उसका इंटरफेरेंस पैटर्न कैसा मिलता है स्क्रीन पर हम वो देखेंगे। दिस पार्ट इन द इंटेंसिटी इज ड्यू टू द डिफ्रेक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, और ये जो पार्ट है इसको हम कह देते हैं इंटेंसिटी ड्यू टू इंटरफेरेंस इफेक्ट ऑफ एन स्लिट्स। अब देखिए इसको अगर हम एक जो पैटर्न देखते हैं कलेक्टिव पैटर्न ड्यू टू द डिफ्रेक्शन इन एन स्लिट्स और प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, तो वो किस तरह का आता है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर हम वन बाई वन करके मेरे साथ आप डाइग्राम बनाते रहिएगा। ये देखिए इधर जो टर्म हम ले रहे हैं पहले वाली टर्म ले रहे हैं, यानी कि ए नोट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा बाई अल्फा स्क्वेयर, और ये देखिए ये दो टर्म्स आ रही हैं। यहाँ पर हमें एक प्राइमरी मैक्सिमा मिल रहा है, ये देखिए। नेक्स्ट जो टर्म हम यहाँ ले रहे हैं आप वो भी देख लीजिए, ये जो टर्म हम यहाँ ले रहे हैं ये वाली इक्वेशन है, यानी कि साइन स्क्वेयर
एन बीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वेयर बीटा। और यहाँ पर देखिए हम जो टर्म ले रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर इसमें इस तरह का इफेक्ट हमें मिलने वाला है। ये एक तो हमें प्राइमरी मैक्सिमा यहाँ मिलेगा और फिर ये मिनिमा मिलते हैं, एक दो। प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया था कि ये टर्म ये आ रही है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जैसे मान लो हम n 6 ले लेते हैं, तो फिर ये जो n माइनस वन, ये तो कितनी आ जाएंगी, ये मिनिमा आ जाएंगे। हमने बताए थे कि देर आर मिनिमाज n माइनस वन, और ये कितने हो जाएंगे, तो n माइनस वन आ जाएंगे, तो ये तो कितना आ जाएंगे, 5 तो मिनिमाज हो जाएंगे। और n माइनस टू यानी कि फॉर n स्लिट्स देर आर n माइनस वन यानी 5 मिनिमा आएंगे, और n माइनस टू यानी कि 4 सेकेंडरी मैक्सिमा आ जाएंगे, सेकेंडरी मैक्सिमा आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं यही चीज़ यहाँ मिल रही है। अब इन दोनों का, क्योंकि जो रिजल्टेंट हमें निकालना है, तो इन दोनों को आप कंबाइंड कर दीजिए। यहाँ n की वैल्यू 0 है और यहाँ n की वैल्यू 1 है। ये 0 ऑर्डर हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। और अब जो है इन सबको अगर हम मिक्स कर देते हैं इन दोनों को, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाएगी, यानी कि यहाँ ये दोनों टर्म आ गई हैं, आई वन मल्टीप्लाई बाई आई टू, यानी कि ये टर्म भी है और ये टर्म भी है, तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी यहाँ आ जाएगी इन दोनों की वजह से। और उसमें देखिए आपको क्या मिलता है, किस टाइप के मिलता है। बिल्कुल, जो पैटर्न है हमें जो मिल रहा है वो अब आप लिख दीजिएगा, बिल्कुल इसी टाइप का, ये इसका इफेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा पैटर्न इस तरीके से, एक तो प्यारे बच्चों ये जीरो ऑर्डर का है, जीरो ऑर्डर कह सकते हैं हम यहाँ पे, और ये फर्स्ट ऑर्डर है। तो आप देख रहे हैं कि जो टोटल जो इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन की वजह से जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी पैटर्न मिलने वाला है वो इस तरीके से मिलेगा। तो आप बहुत अच्छी तरीके से प्यारे बच्चों इस लेक्चर को आपने सुना होगा, और ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी अब हमने यहाँ पर निकाल ली है। अब हम यहाँ देखते हैं कि इसमें कौन कौन से जो मैक्सिमाज हैं, मिनिमाज हैं, वो एब्सेंट हो जाते हैं। हम देख रहे हैं कि इंटरफेरेंस का इफेक्ट भी हो रहा है और डिफ्रेक्शन का इफेक्ट भी हो रहा है। अगर इंटरफेरेंस की वजह से जो मैक्सिमा आ रहा है वो हमारे डिफ्रेक्शन की वजह से जो मिनिमा है अगर उस पर इंसिडेंट हो जाएगा तो वो ऑर्डर मिसिंग होगा। तो वो कंडीशन हम निकाल लेते हैं। देखिए, फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा ड्यू टू इंटरफेरेंस, ये क्या होगी, आप देख रहे हैं ये कंडीशन है हमारी, ए प्लस बी साइन थीटा एन इजिकल टू एन लैम्डा, ये तो पहली कंडीशन आ गई। और मिनिमा की कंडीशन क्या है, फॉर मिनिमा ड्यू टू डिफ्रेक्शन, फॉर मिनिमा ड्यू टू डिफ्रेक्शन, वो कंडीशन हमारे पास है ए साइन थीटा, हमने पीछे ड्राइव किया है इसको, इसकल टू इसको हम एम से लिख दें, एम थीटा। और क्योंकि जब एक सेकेंडरी मैक्सिमा ड्यू टू इंटरफेरेंस मिनिमा ड्यू टू डिफ्रेक्शन पर इंसिडेंट होता है, तो वो कंडीशन निकालने के लिए क्या करते हैं, हम डिवाइड इक्वेशन वन बाई इक्वेशन टू वी राइट, यानी इक्वेशन वन डिवाइडेड बाई इक्वेशन टू गिव्स, ये क्या आएगी वो देख लीजिए, ए प्लस बी साइन थीटा से साइन थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ए इजकल टू एन बाई एम। और यहाँ से आप देख रहे हैं जो कंडीशन आ गई हमारे पास, एन इजकल टू ए प्लस बी बाई ए इंटू एम।
आप देख रहे हैं ये चीज़ हमारे पास आ गई है। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ आप देखेंगे, कि इफ यहाँ से देखिए ये जो बी है जो कि विड्थ ऑफ द ओपेक रीजन है ये ए के बराबर, मानिए दोनों बराबर हैं तो फिर क्या होगा, तो ये इक्वेशन हमें क्या देगी, एन इजकल टू ये 2a हो जाएगा क्योंकि b के सामने 2a से तो कैंसिल हो जाएगा m, और m की वैल्यू क्या है 1, 2, 3, तो हम क्या लिखेंगे सेकेंड फोर्थ सिक्स्थ एंड सोन ऑर्डर आर मिशिंग। लेकिन अगर इफ b इजकल टू 2a तो फिर n कितना हो जाएगा, इसके लिए 2a कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, a से कैंसिल हो जाएगा और 3m, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि थर्ड सिक्स, क्योंकि n की वैल्यू जब 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सिक्स और नाइन्थ एंड शो ऑन ऑर्डर आर मिशिंग। और इस तरह से प्यारे बच्चों हमने देखा कि जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो मिसिंग होंगे वो डिपेंड करता है कि जो हमारी ये जो बी और ए है, बी इज़ दी विड्थ ऑफ ओपेक रीजन और एन ए जो है इट इज़ दी विड्थ ऑफ ईच स्लिट, इन दोनों के रेशियो पे डिपेंड करता है और ये चेंज होता रहता है, जैसे जैसे ये रेशियो चेंज होगा वैसे वैसे जो मिसिंग ऑर्डर हैं वो भी चेंज होते चले जाएंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर इन स्पेक्ट्रा ऑफ ग्रेटिंग। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं कि जो ग्रेटिंग के स्पेक्ट्रा है उसमें जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, कौन सा जो स्पेक्ट्रा है वो हम ऑब्जर्व करते हैं, किस ऑर्डर तक ऑब्जर्व करते हैं और वो किस बात पर निर्भर करता है, इसी चीज को देख लेते हैं। देखिए फ्रॉम ग्रेटिंग इक्वेशन, ग्रेटिंग इक्वेशन आप जानते हैं ग्रेटिंग इक्वेशन क्या है, ए प्लस बी ये ग्रेटिंग एलिमेंट है, साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, दिस इज दी प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग इक्वेशन। अब देखिए यहां से हम एन निकालते हैं, एन क्या है, वी नो दैट n इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड, और ये साइन थीटा यहाँ है ही और लेमडा। अब क्योंकि हम प्राइमरी मैक्सिमा की बात करते हैं तो ये मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा की आप जानते हैं कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। देखिए एज मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो फिर ये इक्वेशन हमारे पास अब यहाँ से हम देख सकते हैं n मैक्सिमम कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू a प्लस बी डिवाइड बाई लेमडा, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। यानी कि ये क्या है n, n क्या है ऑर्डर ऑफ प्राइमरी मैक्सिमा, ये मैं बता भी देता हूँ आपको, ये क्या है ऑर्डर ऑफ प्राइमरी मैक्सिमा, प्राइमरी मैक्सिमा। अब आपको पता चल गया है कि ये जो प्राइमरी मैक्सिमा का जो ऑर्डर है वो दो बातों पर निर्भर कर रहा है, a प्लस बी, जहां a क्या है आपको पहले भी मैंने बताया a इज द विड्थ ऑफ ईच स्लिट, और b क्या है b इज द विड्थ ऑफ ओपेक पार्ट बिटवीन द टू स्लिट्स, और इसे हम ग्रेटिंग एलिमेंट भी कहते हैं। अब देखिए यहां पर स्पेशल केस देखिए, मैं पहले ही बात कर रहा हूं कि अगर, और दूसरी लेमडा क्या है लाइट की वेवलेंथ है, और इफ लेम ए प्लस बी, अब यहाँ से देखिए ए प्लस बी की वैल्यू जो है मान लो वो लेमडा से ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है लेकिन टू लेमडा से कम है, आप देखिए ये वैल्यू लेमडा से तो ज़्यादा है वेवलेंथ से तो, लेकिन टू लेमडा से कम है, तो फिर ये एन मैक्सिमम हमें कितना आ जाएगा, ये देखिए वाट विल बी द एन मैक्सिमम, एन मैक्सिमम इट इज इक्वल टू, यहाँ पर हम 2 लैम्डा रखेंगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा, ये 1 ही है, यहाँ से देखिए लैम्डा से ज़्यादा लेकिन 2 लैम्डा से कम, तो ये लैम्डा ही हो, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल तो n मैक्सिमम, यानी कि हमें जो पैटर्न मिलेगा डिफ्रैक्शन
ड्यू टू दिस प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, उसमें सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमाज मिलेंगे, यानी कि वी ऑब्जर्व ये, क्योंकि एन मैक्सिमम यहाँ कितना हो जाएगा, अगर इसकी वैल्यू लेमडा से ज़्यादा टू लेमडा से कम है तो वी ऑब्जर्व, वी ऑब्जर्व ओनली फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमाज। अब हम बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों दूसरी कंडीशन से, ये भी हो सकती है, ये देखिए स्पेशल केसेस, इफ ए प्लस बी इज ग्रेटर देन टू लेमडा, मान लो ये टू लेमडा से तो ज्यादा हो लेकिन लेमडा से कम हो, बट लेस देन ये देखिए थ्री लेमडा कम है, तो यहां जब टू लेमडा लिखेंगे तो लेमडा से लेमडा कैंसिल हो जाएगा और हमें फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर प्राइमरी मैक्सिमा जो हैं वो मिलेंगे, यानी कि देन वी ऑब्जर्व फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर ऑफ ऑर्डर मैक्सिमा या इंस्पेक्टर एंड सोन। प्यारे बच्चों ऐसे ही हम आगे भी कह सकते हैं कि अगर ये थ्री लेमडा से ज़्यादा लेकिन फोर लेमडा से हम, तो हम फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ऑर्डर हैं जो प्राइमरी मैक्सिमाज हैं वो ऑब्टेन करेंगे। तो ये चीज़ अभी आप देखिए आपके एग्जाम में कोई भी बात किसी भी रूप में पूछी जा सकती है, छोटे क्वेश्चन भी बना सकते हैं, पूरा पाँच नंबर का क्वेश्चन भी बना सकते हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से हर कॉन्सेप्ट को तैयार करते चलें। अगर आपसे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सिंपल बी पार्ट डाल करके क्वेश्चन के साथ और पूछते हैं कि व्हाट ऑर्डर इन स्पेक्ट्रा ऑफ द प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग आर ऑब्जर्व्ड, तो फिर आपको इस प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग इक्वेशन को लेकर के ये एक्सप्लेन करना है और इसको आप क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी लिख लें, ये वाला यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल शॉर्ट वीडियो करके और क्वेश्चन आंसर पहले से ही मेंटली प्रिपेयर रहे हैं कि ये क्वेश्चन पूछेगा तो मुझे क्या लिखना है, तो ये करना है तो मुझे क्या करना है, तो फिर आपको पेपर में एग्जाम में सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत अच्छा आप लिख पाएंगे। अब हम देखते हैं कि विड्थ ऑफ मैक्सिमा या प्राइमरी मैक्सिमा क्या होती है, उसको देख लेते हैं। विड्थ ऑफ प्राइमरी मैक्सिमा, अब प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं कि जो प्राइमरी मैक्सिमा हमें मिला था उसकी विड्थ कितनी होती है, वो भी हम अपनी जो प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग इक्वेशन है उसी की सहायता से चेक कर सकते हैं। ये देखिए मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए, वी नो द प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग इक्वेशन इज ए प्लस बी साइन थीटा एन इजकल टू एन लैम्डा, यहाँ हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारा प्राइमरी या जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है दैट लाइज इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा एन, यानी दैट इज द प्राइमरी मैक्सिमा मैक्सिमा लाइज इन डायरेक्शन ऑफ थीटा एन। ये देखिए ये इक्वेशन बना। अब मान लो प्राइमरी मैक्सिमा के दोनों तरफ जो सेकेंडरी मैक्सिमाज हैं वो लाई कर रहे हैं, ये देखिए इफ दिस सेकेंडरी मैक्सिमाज, आप मेरे साथ साथ लिखते रहे हैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सेकेंडरी मैक्सिमाज लाइज इन डायरेक्शंस, ये देखिए थीटा एन प्लस डी थीटा एन मान लो एंड थीटा एन माइनस डी थीटा एन ऑन बोथ साइड्स ऑफ प्राइमरी मैक्सिमम, यानी कि जो सेकेंडरी मैक्सिमा है वो प्राइमरी मैक्सिमा के दोनों तरफ इन इनके बीच मिलाई करते हैं, तो फिर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, देन वी राइट दैट ए प्लस बी साइन थीटा एन प्लस डी थीटा एन, ये देखिए प्लस माइनस ये दोनों चीज़ हमारे पास बन गई कि एक प्लस में है या फिर माइनस में, तो ये चीज़ लिख जाएगी एंड इट इज इक्वल टू एन लेमडा और प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा लेमडा बाई, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई और आप जानते हैं बाकी की सारी चीज़ें मैंने पहले ही आपको बता दिया है।
अब हम इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से डिवाइड करते हैं, यानी इक्वेशन टू डिवाइडेड बाई इक्वेशन वन बिकम्स इक्वेशन टू डिवाइडेड बाई इक्वेशन वन गिव्स। ये देखिए ये क्या है हमारे पास, इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से डिवाइड करते हैं कैसे, आप देखिए ए प्लस बी साइन थीटा एन प्लस माइनस डी थीटा एन डिवाइडेड बाई, देखो लेफ्ट को हम लेफ्ट से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए प्लस बी साइन थीटा एन, और राइट को राइट से डिवाइड कर देते हैं, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहां तो वन हो जाएगा। और ये देखिए जब इसके नीचे ये लिखेंगे एन लैम्डा तो एन लैम्डा के नीचे एन लैम्डा आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस लैम्डा, लैम्डा से तो लैम्डा कैंसिल हो गया, वन अपून एन एन ही आ जाए। ये देखिए जब इसको इसके नीचे लिखेंगे तो एन लैम्डा से एन लैम्डा कैंसिल और प्लस माइनस, यहाँ से देखिए लैम्डा कैंसिल सिर्फ एन रह गया वो आ गया, और ये इक्वेशन आ गई। यहाँ से भी जो चीज़ कैंसिल हो रही है देखिए ए प्लस बी से ए कैंसिल हो गया है, और इसको हम फर्दर लिख रहे हैं साइन थीटा एन प्लस माइनस डी थीटा एन डिवाइडेड बाई साइन थीटा एन। ये देखिए जो जो बच गया है वो हमने लिख दिया है, और ये देखिए ये हो गया वन प्लस माइनस वन अपॉन एन एन, ये इक्वेशन आई। अच्छा यहाँ साइन ए प्लस माइनस बी वाला जो फार्मूला है वो लगा करके इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। चलिए देखते हैं इसको क्या लिखेंगे, साइन ए कोस बी प्लस माइनस कोस ए साइन बी, आप इसको इस तरीके से लिख लेंगे साइन डी थीटा एन डिवाइडेड बाय साइन थीटा एन, और इट इज इक्वल टू वन प्लस माइनस वन बाई एन एन। आप मेरे साथ साथ लिख रहे हैं, कुछ बच्चे जो स्कोरिंग करना चाहते हैं अच्छी तरीके से अपना लेक्चर को तैयार करना चाहते हैं, हालांकि लेंथी लेक्चर है हो भी क्यों ना, कारण ये है कि इसमें हमें बहुत कुछ बताना होता है, एग्जाम में हमें बहुत कुछ लिखना होता है और समझ करके लिखना होता है, तो ये लेंथी इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने आप ही वो सारा स्टेप्स आपको आगे समझते आते चले जाएंगे, आप लिखते चले जाएंगे और पूरा पाँच नंबर का जो आर्टिकल है सात नंबर का आर्टिकल है वो तैयार हो जाएगा। और इसमें बीसवीं से भी तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, रीजनिंग क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि ऐसा क्या होता है, क्या उस चीज़ का एक्सप्रेशन निकालिए जो एग्जाम में आपसे पूछे वही आप लिख देंगे। तो चलिए इसको सब जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए साइन थीटा के नीचे, अब एक और काम करते हैं हम कि इफ कंडीशंस लगा रहे हैं हम यहाँ पर कि अगर हम डी थीटा बहुत ही, क्योंकि ये बहुत ही क्लोज लाई करते हैं तो जो एंगुलर सेपरेशन है वो बहुत ही कम होता है, ये इट इज नियरली जीरो। अगर ऐसा है तो आप जानते हैं साइन डी थीटा एन की तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट विल बी टेंड्स टू डी थीटा एन, और कोस थीटा ये डी थीटा की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू वन, कोस जीरो तो वन होता ना, ये हो गया चलो हो गया, और कोस डी थीटा एन की जगह हम क्या लिख रहे हैं वन, तो ये देखिए मैंने वन लिख दिया है, यहाँ पर प्लस माइनस है वो प्लस माइनस मैंने लिख दिया है, कोस थीटा एन डिवाइडेड बाई साइन थीटा क्योंकि तो दोनों के नीचे है तो ये हो जाएगा कोट थीटा एन, और ये देखिए ये साइन डी थीटा एन के स्थान पर हम क्या लिख रहे हैं डी थीटा एन, और इट इज इक्वल टू वन प्लस माइनस वन बाई एन एन। यहाँ से देखिए एन से एन हमने कैंसिल कर दिया है और प्लस माइनस यहाँ से डी थीटा एन ये आ जाएगा, इट इज इक्वल टू हम देख सकते हैं यहाँ पर ये वन बाय एन एन कोट थीटा एन। ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं दिस इक्वेशन गिव्स दी हाफ एंगुलर विड्थ ऑफ दी प्राइमरी और प्रिंसिपल मैक्सिमा जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये देखिए मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं, दिस इक्वेशन गिव्स हाफ एंगुलर विड्थ विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। अब
प्यारे बच्चों देखिए, वी नोट दैट, क्या क्या हम यहाँ पर पॉइंट नोट कर रहे हैं वो नोट कर लीजिए। हम देख रहे हैं कि नंबर एक, डी थीटा एन, ये जो हाफ एंगुलर विड्थ है ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा, ये किस बात पर निर्भर कर रही है? एक तो देखिए ये इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी एन। एन क्या है? नंबर ऑफ स्लिट्स है, यानी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ स्लिट्स हम इंक्रीज करेंगे तो विड्थ, हाफ एंगुलर विड्थ ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमा डिक्रीज करेगी। ये क्या है, यानी कि एन क्या है यहाँ? नंबर ऑफ स्लिट्स इन ग्रेटिंग। दूसरी बात, यहाँ पर एक और पॉइंट भी आप नोट कर रहे हैं, ये तो पहला ही पॉइंट आपने नोट किया, और दूसरा पॉइंट आपने क्या नोट किया यहाँ पर वो भी देख लीजिए। डी थीटा एन इट इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन कोट थीटा एन। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट आर्टिकल था, प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग को हमें पूरा एक्सप्लेन करना था, और काफ़ी मैथमेटिक्स भी था इसमें, जिसमें डिफ्रेक्शन एंड एन स्लिट्स, तो इसमें दोनों हमारे जो पिछले लेक्चर हैं या पिछले आर्टिकल्स हैं वो भी इंक्लूड थे, जैसे डिफ्रेक्शन एट सिंगल स्लिट एंड इंटरफेरेंस ड्यू टू एन स्लिट्स, तो उसके कॉन्सेप्ट को भी लेना था, इसके डिफ्रेक्शन पैटर्न को भी लेना था, और इसमें हमें ये भी बताना था कि इसमें कौन कौन से ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा मिसिंग होते हैं, या कितने ऑर्डर तक के इसमें हमें स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व होते हैं, या फिर विड्थ ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमा क्या है। ये तमाम चीज़ें क्योंकि हमें इंक्लूड करनी थी इस लेक्चर में, इसलिए लेक्चर थोड़ा लेंदी ज़रूर हुआ है, लेकिन ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिन बच्चों ने ये पूरा लेक्चर बहुत ध्यान से सुना है बिना इस वीडियो को स्किप किए, उसके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। और प्यारे बच्चों देखिए, वास्तव में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, आपको अच्छा लगा है, तो आपको देखो इतना तो करना ही होगा कि आप आगे के लेक्चर्स को मिस ना करें, और आप अपने जो कमेंट्स हम तक भेज सकें या आपका फीडबैक हमें मिल सके, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए यही है कि अपने जो साथी हैं उनको भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट मिल सके, और आपका फीडबैक जब हमें मिलेगा तो इस लेक्चर को और इफ़ेक्टिव और इम्प्रेसिव और स्कोरिंग बनाने के लिए, ईजी लैंग्वेज बनाने के लिए काफ़ी हेल्प मिलती है, काफ़ी एनर्जी मिलती है, ये सभी आप जानते हैं, और आपका रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है यहाँ होनी चाहिए, और काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है इसमें रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इंट्रैक्ट कर रहे हैं, मैं उन सभी स्टूडेंट्स का थैंक्स करना चाहूँगा। और प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है या नए जुड़े हैं, उनको मैं वेलकम करता हूँ, और हम तमाम जो आपके फिजिक्स और मोटिवेशन से के लेक्चर और एग्ज़ाम प्रिपरेशन से संबंधित सभी तमाम वीडियोस टाइम टू टाइम यहाँ अपलोड करते रहेंगे। तो मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, उसमें हम डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग करेंगे, जो इसी यूनिट का नेक्स्ट आर्टिकल है। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।